बहुत स्वागत है आपका। खबर मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें 27 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। तारीख आपको बता दें कि शुरुआत होगी, वही मध्य प्रदेश का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बता दे मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और वही 27 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। 27 फरवरी से 24 मार्च तक ये सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र होगा। संवाददाता कुलभूषण ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलभूषण, मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट की शुरुआत होने वाली है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से होगी और ये बजट सत्र इस साल का आखिरी बजट सत्र होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2023 के एंडिंग अक्टूबर नवंबर में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ठीक विधानसभा चुनाव के 8 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट बेहद ही अहम होने वाला है। कई बड़ी सौगातें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। 27 फरवरी से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी, 27 मार्च तक ये बजट चलेगा। इसके साथ ही विधानसभा के इस सत्र में 29 दिवसीय ये पूरा सत्र होगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी और विधानसभा सचिवालय में आशासन तो 16 फरवरी अंतिम तारीख दी गई है। वहीं बात की जाए तो 29 दिन का ये बजट सत्र बेहद ही खास माना जाएगा, क्योंकि आखिरी ये बजट है और कई सौगात जो है मुख्यमंत्री इस बजट सत्र में मध्य प्रदेश की जनता को देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा की अधिसूचना जारी हो चुकी है, 27 फरवरी से इस विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। ठीक है, ठीक है कुलभूषण, आप बने रहिएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक जानकारी पहुंचा दे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से देखने को मिल रही है, अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें राजधानी भोपाल में धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक बता रहे हैं। वही सिलेंडर से आग लगने से विस्फोट हुआ है सिलेंडर, आपको बता दें दुकान संचालक बुरी तरह से झुलसा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको पहुंचा बता रहे हैं, बता दे बड़ा धमाका भोपाल में हुआ है। दरअसल सिलेंडर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। वही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ज्यादा जानकारी लिए हुए कुलभूषण लगातार सहयोगी जुड़े हुए। कुलभूषण, कैसे हुआ ये धमाका और कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, राजधानी भोपाल के पुराने रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा एक हादसा हुआ है और सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पे जो दुकानदार है वो ये बुरी तरीके से झुलसा हुआ है और जो दुकान है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। नादरा से रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने वाली रोड में जो है ठेले लगे रहते हैं और इसी ठेले में जो है अचानक अफरा तफरी का माहौल तब मच गया जब ठेले में जो सिलेंडर रखा हुआ था वो पूरी तरीके से फट गया। हालांकि बताया जा रहा है कि चाय की दुकान थी और समय रहते जो है पुलिस वालों ने जो ठेले के संचालक है उसे तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि अभी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है युवक की, हालांकि लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस भी जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि गैस के रिसाव की वजह से जो है सिलेंडर फटा है। कुलभूषण, आपसे भी जानना चाहूंगी जिस दौरान ये हादसा हुआ कितने लोग मौजूद थे वहां पर? देखिए, हालांकि यहां पर अगर बात की जाए क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जो तरफ सड़क जाती है उस
सड़क के किनारे ही ये ठेला लगा हुआ था, तो अफरा तफरी का माहौल इसलिए बनता हुआ नजर आया कि लोग जो है आसपास खड़े हुए थे, चार से पांच लोग, और इस रूट पे जो है लोग सफर करते हैं, बाइकों से ज्यादा निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। समय रहते जैसे ही सिलेंडर फटा लोग वहां से भागते हुए नजर आए, लेकिन एक व्यक्ति जो है इसमें झुलसा है और उसका जो है अस्पताल में अभी फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। ठीक है, ठीक है कुलभूषण, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर